कैसे हो? तो दोस्तों, मैंने जो थंबनेल में लिखा है उसमें 100% सच्चाई है कि अगर आप चाहो तो आपकी कंपनी में, जो सप्लाई कंपनी में घंटे के हिसाब से सैलरी देती है कंपनियां, अगर आप चाहो तो आपको बेसिक सैलरी मिल सकता है, मगर आपको एक रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर को सिर्फ ये लोग कंफ्यूज करता है। सप्लाई कंपनी में घंटे के हिसाब से सैलरी देता है, मुझे मालूम है, और कंपनियां में बेसिक के हिसाब से सैलरी देती है, बट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे लोगों को बेसिक सैलरी होती है महीने का हिसाब से। ये लोग, सिर्फ कंपनी वाले लोग ये सब सप्लाई कंपनी और कंपनी में डिफरेंट करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सबका एक ही होता है। कंपनी वाले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सप्लाई, क्यों, दोनों गवर्नमेंट के नज़र में दो ही तरह का ये है वीज़ा, एक विजिट वीज़ा और एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो भी जो ये है सप्लाई कंपनी में काम करता है दोस्तों, वो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। बट हम लोग को क्या करता है, ये कंपनी वाला बेवकूफ़ बनाता है कि आपका घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगा, जाने आने का टिकट नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, और प्लस जो लीव सैलरी वो नहीं मिलेगा। मगर अगर आप चाहो तो आप क्लेम करके ये ले सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिखा होता है, आपकी बेसिक सैलरी लिखा होता है, टिकट लिखा होता है, ग्रेजुएटी लिखा होता है, पूरा डिटेल होता है दोस्तों। बट ये सब कंपनियां नहीं देती है, सप्लाई कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोग अगर रिक्स ले और कंप्लेन करें तो ये चीज़ मिल सकता है। मोहरे में आप कंप्लेन करोगे दोस्तों तो ये लाजिम मिल सकता है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए और आप रिक्स उठाना चाहो, सप्लाई कंपनी के ऊपर ब्लेम डालना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, देखिए कम सैलरी का रूल है ना, दुबई में पास नहीं हुआ, इसके कारण क्या है ना, कंपनियाँ एग्रीमेंट कम से कम सैलरी में आपको पास करा लेती है। अगर सप्लाई कंपनी में आप काम करते हो दुबई के अंदर, तो वो लोग क्या करता है कि 300 दरम 400 दरम बेसिक में साइन करा लेगा वो लोग, क्यों, अगर इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ एक्शन नहीं लेगी। वो लोग तो कुछ ऐसा रूल नहीं लिया है कि मिनिमम सैलरी इतना होना चाहिए वर्कर को। बाकी कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ये सब कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल है, बस दुबई में ये रूल नहीं है। इसके लिए कंपनियाँ फ़ायदा उठाती है और वर्कर को फंसाती है। बट आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारे चीज़ लिखा होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कंपनियाँ ऐसा परेशान कर रही है, तो आप भी एक्शन ले सकते हो कंपनी के खिलाफ। एक नंबर बताता हूँ दोस्तों, वो नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है, जो मिनिस्ट्री का नंबर है, बट वो नंबर जैसे ही आप कॉल करोगे तो उसमें वो बताता है कि ये नंबर पे, मतलब वो बोलता है कि नंबर चेंज, और वो इंग्लिश में लास्ट में नंबर बताता है, अरबी में बताता है। तो आपको अरबी मालूम नहीं है तो इंग्लिश में जो नंबर बताएगा वो नंबर लिख कर उस पर कॉल करना, तो आपको जो मिनिस्ट्री का नंबर है वो लग जाएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करने के लिए ही वो लोग रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कानूनी मदद चाहिए, कोई भी पूछना है, तो वो लोग से आप पूछ सकते हो, वो अपना स्टेप उठा सकते हो। तो जो नंबर मैं बार बार देता हूँ दोस्तों, 800 60, इस पर जैसे ही कॉल करोगे तो वो लोग बोलता है, क्योंकि ये नंबर चेंज हो चुका है मिनिस्ट्री का, वो लोग जैसे वैसे ही बोलता है नंबर चेंज, तो अरबी में नंबर, मतलब कि अगर ये पर कॉल करना चाहते हो तो अरबी में नंबर बोलता है, फिर इंग्लिश में बोलता है। तो जो इंग्लिश में बोलता है दोस्तों, वो नंबर नोट कर लेना और फिर उस पर कॉल लगाना। उस पर कॉल लगा के जो भी आपका समस्या है, आपका डिटेल वो लोग पूछेगा, आपका कंपनी का फ़ोन नंबर पूछेगा, मगर आप राइट में रहना, झूठ कोई भी बात नहीं बोलना। अगर एक झूठ बोलोगे दोस्तों, तो एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। तो कोई भी समस्या हो दोस्तों, आप इस नंबर पर पूछ सकते हो, कानूनी मदद ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट रखा है लोग को वर्कर को हेल्प करने के लिए। तो ये अपडेट था दोस्तों, और जो भी कन्फ्यूज़न, आप चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता, आप सोचते हो कि जस्ट मैं कमेंट करूं और तुरंत मुझे रिप्लाई मिल जाए, तो मैं जस्ट सिस्टम पे बैठा नहीं होता हूं दोस्तों, मैं खुद काम करता हूं, 10-12 घंटे काम करता हूं, वहां से आता हूं, फिर टाइम निकाल कर फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय, और अपना ख्याल रखें, और जो भी कॉमेंट करना चाहते हैं बस कोड के साथ आप कॉमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ।